नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देश में वैक्सीनेशन अभियान को शुरू हुए करीब 4 महीने हो गए हैं, लेकिन देश अब तक महज करीब 17.5 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन लग चुकी है। और ऐसे में आपको बता दें कि देश में वैक्सीन की भारी कमी देखी जा रही है। लोग वैक्सीन के लिए दर दर भटक रहे हैं। वैक्सीन की किल्लत पर अब केंद्र और राज्य सरकारों में आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दल वैक्सीन की कमी पर मोदी सरकार को निशाना बना रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वैक्सीन सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के कारण भारत बायोटेक ने दिल्ली को 67 लाख को वैक्सीन देने से मना कर दिया। केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों पर बीजेपी भी जवाब दे रही है। बीजेपी की ओर से जवाब आया है। बीजेपी ने बताया है कि वैक्सीन विदेश क्यों भेजी गई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का कहना है कि राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के नेता वैक्सीनेशन के मसले पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। रिपोर्ट देखें। देश में टीकाकरण अभियान संकट में फंस गया है। 16 जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन अभियान के तहत अब देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 17.5 करोड़ तक ही पहुंच पाया है। ये आंकड़ा अपने लक्ष्य से काफी कम है। वहीं 1 मई से कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। इसमें 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है, लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से अभी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए तो कई राज्यों में वैक्सीनेशन शुरू ही नहीं हुआ है। कोई पहली डोज के लिए परेशान है तो वहीं जिन लोगों को एक डोज लग चुकी है वो दूसरे डोज के लिए भटक रहे हैं। वजह वैक्सीन की कमी है। वैक्सीन सेंटर पर लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी है, लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से लोगों को निराश ही लौटना पड़ रहा है। मुंबई हो या दिल्ली या फिर देश का कोई दूसरा हिस्सा, हर जगह लगभग ऐसी ही किल्लत देखने को मिल रही है। कल भी आया था और आज भी आया हूँ, लेकिन वहाँ पे वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं होने से उन्होंने अगले कल आओ या फिर जब वैक्सीनेशन आएगा तब आपका टीका करा दिया जाएगा, ऐसा बोला है। कि देखी कि मिल रहा है तो लेती, तो उन्होंने बताया कि कल आज आएंगे तो कल शायद मिल सकता है। कितना वैक्सीन आएगा वो भी वो लोग को अभी कंपलसरी पता नहीं है कि कितना आएगा और मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी नहीं बता रहे। अब वैक्सीन की किल्लत पर केंद्र और राज्य सरकारों में आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दल वैक्सीन की कमी पर मोदी सरकार को निशाने पर ले रही हैं। इसी कड़ी में बुधवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वैक्सीन सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के कारण भारत बायोटेक ने दिल्ली को 67 लाख को वैक्सीन देने से मना कर दिया। कोवैक्सीन की सप्लाई अब दिल्ली को बंद है और मुझे नहीं पता बाकी राज्यों को कितनी की जा रही है, पर दिल्ली को तो उन्होंने लिख के दे दिया है कि हम आपको वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से वैक्सीन देनी है और हम आपको सप्लाई नहीं दे सकते। हमने 67 लाख वैक्सीन उनसे मांगी थी। मनीष सिसोदिया ने भारत बायोटेक द्वारा लिखी गई चिट्ठी भी साझा की है, जिसमें भारत बायोटेक ने कहा है कि वे केंद्र सरकार के अधिकारियों की नीतियों के अनुसार ही वैक्सीन की सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे में हम दिल्ली को वैक्सीन की अतिरिक्त सप्लाई नहीं कर सकते। मनीष सिसोदिया के मुताबिक कोवैक्सीन की सप्लाई बंद होने की वजह से दिल्ली में करीब 100 वैक्सीन सेंटर्स को बंद करना पड़ रहा है। आज कोवैक्सीन की सप्लाई तो उन्होंने मना कर ही दिया। हमारे पास में जितने भी रिजर्व था, जितना भी स्टॉक आया था वो खत्म हो गया है और हमारे पास इस वक्त कोविशील्ड के जितने सेंटर्स थे वो चल रहे हैं, लेकिन कोवैक्सीन के सेंटर्स हमें बंद करने पड़े हैं। 17 स्कूलों में करीब 100 से ज्यादा सेंटर्स हमको बंद करने पड़े हैं कोवैक्सीन के। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी वैक्सीन की कमी का आरोप लगाया था। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 3 महीने में सभी दिल्ली वालों को वैक्सीनेशन लगा दिया जाए, लेकिन एक बड़ी समस्या आ रही है और वो है वैक्सीन की कमी की। दिल्ली में हमारे पास अब केवल कुछ दिन के वैक्सीन बचा है और ये समस्या देशव्यापी है। पूरे देश में इस वक्त वैक्सीन की भारी कमी हो रही है। अब दिल्ली सरकार ने मांग की है कि वैक्सीन को लेकर केंद्र को एक सही नीति अपनानी चाहिए जिसमें सभी को वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा सके। इसके अलावा केंद्र सरकार को वैक्सीन को विदेशों में भेजना भी बंद करना चाहिए ताकि अपने देश की मांग को पूरा किया जा सके। केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों का अब बीजेपी की ओर से जवाब भी दिया गया है।
बीजेपी ने बताया कि वैक्सीन विदेश क्यों भेजी गई। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का कहना है कि राहुल गांधी और आप वैक्सीनेशन के मसले पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। विदेश वैक्सीन भेजने के आरोपों पर संबित पात्रा ने कहा कि अभी तक 6.68 करोड़ वैक्सीन की डोज विदेश भेजी गई है, इनमें से 1.07 करोड़ मदद के तौर पर दी गई है, जबकि 84% को बाध्यताओं के कारण भेजा गया है, क्योंकि दो भारतीय कंपनियां कई देशों से अनुबंध में बंधी हैं, क्योंकि हम उनसे रॉ मटेरियल ले रहे हैं। लगभग 6.63 करोड़ वैक्सीन, 6.63 करोड़ वैक्सीन के डोजेस जो हैं, वो एक्सपोर्ट किए गए थे, हिंदुस्तान के बाहर भेजे गए थे। लगभग 107 लाख अर्थात 1.07 करोड़ आसपास वैक्सीन भेजा गया है। यह एड के रूप में भेजा गया है, एड मतलब मदद, एड मतलब ग्रांट के रूप में भेजा गया है। बाकी जो वैक्सीन भेजी गई है, 84% जो वैक्सीन भेजी गई है, लगभग 5 करोड़ से अधिक, वो लायबिलिटी के रूप में भेजी गई है, जो आपको करना ही था। संबित पात्रा ने इसके अलावा कहा कि 7 पड़ोसी देशों को भी 78.5 लाख वैक्सीन दी गई है, क्योंकि बॉर्डर को भी सुरक्षित करना जरूरी है। 2 लाख डोज यूएन में दिए गए हैं, क्योंकि भारतीय जवान वहां शांति फोर्स में तैनात है। बीजेपी नेता के मुताबिक डब्ल्यूएचओ की कोवैक्स संधि के मुताबिक भारत को 30% वैक्सीन तय दामों पर कई देशों को देनी है जिन्होंने संधि पर साइन किए हैं। करीब 14% वैक्सीन यूके गई है, क्योंकि कोविशील्ड का लाइसेंस एस्ट्राजेनेका के पास है। 12.1% वैक्सीन सऊदी अरब भी गई है, क्योंकि वहां पर भारतीय समुदाय ने बुकिंग के हिसाब से वैक्सीन मंगवाई है। संयुक्त राष्ट्र की जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी एक कोवैक्स फैसिलिटी बनी हुई है, और भारत ने 30% अपना वैक्सीन लाइसेंसिंग लायबिलिटी के अंतर्गत कोवैक्स फैसिलिटी को भेजा WHO में। 14% जो वैक्सीन गया है वो यूनाइटेड किंगडम को गया है। ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो कोविशील्ड का है, उसका लाइसेंस होल्डर ऑक्सफर्ड में है, यूनाइटेड किंगडम में। 12.5% वो सऊदी अरब गया कॉमर्शियल एडवांस बुकिंग के माध्यम से और पेमेंट के माध्यम से। सऊदी अरब में जो भारत के डायस्पोरा है, उनको दोनों डोजेस मुफ्त में सऊदी अरब लगा रही। दरअसल दिल्ली और महाराष्ट्र के अलावा कई अन्य राज्य भी वैक्सीन की कमी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ चुके हैं। महाराष्ट्र, ओडिशा समेत कुछ राज्यों ने अपने यहाँ चिन्हित सेंटर्स पर टीकाकरण रोक दिया है। भारत में अभी कोविशील्ड कोवैक्सीन ही उपलब्ध है, ऐसे में 2 वैक्सीन होने के कारण सप्लाई पर असर पड़ रहा है, और यही वजह है कि देश भर में वैक्सीन की कमी पर हाहाकार मचा हुआ है और सियासी दल इस पर जमकर सियासत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो जाहिर तौर पे जो हालात हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि कोरोना के मद्देनजर अब वैक्सीन की किल्लत देखी जा रही है और इसी को लेकर अब सियासत भी हावी हो गई है। आज इस विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। महेश वर्मा जी हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। घनेन्द्र भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि स्पोक पर्सन है आम आदमी पार्टी के। संजय द्विवेदी जी हमारे साथ है, लीडर हैं शिवसेना के। और साथ ही डॉक्टर राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर डॉक्टर हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र में। सबसे पहला सवाल मेरा महेश जी आपसे ही है। महेश जी, जो 16 जनवरी से इस अभियान की शुरुआत की गई थी कि हर किसी को टीका मिलेगा, इस टीकाकरण की शुरुआत इस अभियान की गई थी और ये सोचकर की गई थी कि पूरे जनता को, हर देशवासी को टीका दिया जाएगा, क्या लगता है कि जिस उत्साह के साथ और जिस जोश के साथ इस अभियान की शुरुआत की गई थी, वो जोश अभी भी बरकरार है, वो उत्साह अभी भी बरकरार है? देखिए नेहा जी, जिस जोश और जिस अभियान का आप बात कर रही हैं, जिक्र कर रही हैं, उस अभियान को विफल करने का जितना प्रयास किया गया, याद करिए कि किस तरह से कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के कुछ नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, अखिलेश यादव तो इतना कह दिए कि भाई बीजेपी का ये वैक्सीन है, हम तो लगवाएंगे। तो हमारा काम जो जिस तरह से ये कोरोना का एक कहर है, ये कोहराम है, इससे मुकाबला करने के मकसद से जितना अच्छा से अच्छा किया जा सकता है, वो प्रयास जो है केंद्र सरकार जो है लगातार करती आ रही है। देश में जब एक लेबोरेटरी था तब कोरोना आया था, 129 करोड़ लोगों को संक्रमण से बचा के निकाल लेना इस देश को, देश को दुर्गति से या देश की जो प्रगति जो थी हमारी, उसको का जो काम था
वो विपक्ष ने जरूर किया, और अभी भी ये लोग राजनीति कर रहे हैं इस मौत से, जहां मौत का तांडव है वहां ये लोग राजनीति से उतारू और इस तरह के कुकृत्य करने का इनको इस पर भी कभी माफ नहीं करेगा। सवाल यह है कि आज की डेट में 45 साल से ऊपर लोगों को जो वैक्सीन लगाया जाना था उसका आंकड़ा जो है मनीष सिसोदिया जी नहीं दे पा रहे। ये वही मनीष सिसोदिया तो कहते थे पिछले साल कि अगर हमें 5,000 करोड़ रुपया नहीं मिला तो दिल्ली में जो है कोरोना की जो है संख्या 5,00,000 से ऊपर चली जाएगी। इसी प्रकार से अब देख लीजिए कि जब बात आई कि भाई लोगों में एक उनका मनोबल बना रहना चाहिए, वो दहशत से बाहर निकले, उस टाइम दिल्ली का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि हमारे पास आईसीयू बेड ही नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन बेड ठीक है। इस पे रिएक्शन ले लेते हैं घनेंद्र जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी महेश जी कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो आंकड़े केंद्र सरकार की तरफ से मांगे जाते हैं उन आंकड़ों पे तो आप बोलते नहीं, और जब आंकड़े बताने की बात नहीं होती है तो बता देते हैं जी 100 वैक्सीनेशन सेंटर हमें बंद करने पड़ रहे हैं, कोरोना वैक्सीन नहीं है इसलिए। पूरे देश में आप न्यूज चैनल दिखा रहे हैं कि दिल्ली को छोड़ दीजिए, एक समय तो दिल्ली को आप साइड में कर दीजिए। उत्तर प्रदेश के क्या हालात है आप जानती हैं, मैं जानता हूँ, देश जानता है। हरियाणा के क्या हालात है आप जानते हो, मैं जानता हूँ, देश जानते हैं, हमारी जनता पार्टी की सरकार। कर्नाटक में क्या हालात है, उत्तराखंड में क्या हालात है, हिमाचल में क्या हालात है, गोवा में क्या हालात है, देश देख रहा है, देश जान रहा है कि आज पूरे देश को, सिर्फ दिल्ली को नहीं, पूरे देश को वैक्सीन की भारी किल्लत झेलनी पड़ी। सरकार को सब पता था, लेकिन ये सरकार ऐसी थी कि अपनी ब्रांड इमेज बनाने के चक्कर में 6.5 करोड़ डोसेज जो थी वो उन्होंने कोविड पेंडेमिक में, जब कोविड इमरजेंसी देश में लगी थी, और मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, मार्च में भी और अप्रैल में भी 6.5 करोड़ डोसेज इन्होंने उन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर दी, जिन कंट्रीज के पास, जो कंट्रीज ने अपनी ऑलरेडी पूरे के पूरे देश को वैक्सीनेट कर दिया था। इन्होंने यूएस में भी भेजी, यूके में भी भेजी। अब वो यूएस और यूके और यूरोपियन कंट्रीज क्या कर रही है, वो होल्डिंग कर रही है। किसने होल्डिंग कर ली कि कल को भगवान ना करे ये वायरस दोबारा उनके देश में अगर नुकसान पहुंचाएगा तो उनके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन होनी चाहिए। एक तरफ तो यूरोप के देश ये कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा देश क्या कर रहा है, मोदी सरकार क्या कर रही है कि देश के लोग मर रहे हैं, मरते रहे, लेकिन वैक्सीन हमें बाहर भेजनी है। जो भेजनी है कि हमारी ब्रांड इमेजिंग होगी, हमारी छवि चमकेगी। अरे भैया देश के लोगों को जरूरत है, और आज देश में कोरोना वायरस से अगर कोई हमें बचा सकता है तो उसका एकमात्र विकल्प और एकमात्र दवाई और एकमात्र इलाज है उसका वैक्सीन। वैक्सीनेशन देने के लिए 18+ की वैक्सीनेशन की हमारी पहली, ठीक है, इस पे रिएक्शन ले लेते हैं महेश जी का, उसके बाद मैं तमाम और मेहमानों का रुख करूंगी। महेश जी क्या वजह है, दिल्ली को कह रहे हैं छोड़ दीजिए, लेकिन आपकी जहां पर सरकारें हैं, जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं वहां पर भी वैक्सीनेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, वैक्सीन की किल्लत है? ये दिल्ली को इसलिए कह रहे हैं छोड़ के कि यहाँ जिस तरह का लोगों में जिस तरह से एक दहशत का माहौल इन लोगों ने पैदा कर दिया है, जिस तरह से यहाँ मौत का मंजर दिखाई दे रहा है, जिस तरह से दिल्ली इनसे संभल नहीं रही है, जिस तरह से दिल्ली में ये सिर्फ प्रचार प्रसार के माध्यम से जो है अपने आप को ये जाहिर करने में लगे हुए हैं कि हम लोग दोषी नहीं है इस मौत के लिए, एक मौत के सौदागर के रूप में अगर कहा जाए इनको, दिल्ली के ये मौत के सौदागर बन के उभरे हैं, ये दिल्ली छोड़ के क्या बात करेंगे, इनके पास क्या ऐसा सबूत है, क्या ऐसे प्रमाण है जिसकी वजह से ये कह सकते हैं कि दिल्ली छोड़ के बाकी देश भर में जो है वैक्सीन की कमी हो रही है और वैक्सीन नहीं किया जा रहा है। सवाल है कि जिस तरह से वैक्सीनेशन का एक वॉलंटरी एक ये अभियान शुरू किया गया, जिसको भी लेना है वो आकर लेगा, और उसकी ये कैटेगरी और उसकी जरूरत जो है, जिस तरह के पैरामीटर सेट किया गया उसके तहत जो है वैक्सीनेशन खूब अच्छे से चल रहा था, खूब बढ़िया से चल रहा था, कोई शिकायत नहीं थी। ये जब इनको ये लगा कि ये अभियान सफल होने जा रहा है, लोगों के जान बचाने में बीजेपी और मोदी सरकार सफल हो रही है, तो इन लोगों ने एक बड़ा सुनियोजित ढंग से जो है चिल्लाना शुरू कर दिया कि भाई 18 से 45 साल के बीच के क्या हुआ, वो हम लेके आ ही रहे थे, ऐसा नहीं है कि हमारी तैयारी कोई नहीं है। सवाल है कि इनका मिसमैनेजमेंट भी बहुत बड़ा है, ये झूठ बोलते रहे कि आप ये देखिए 28,000 बेड दिल्ली में है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन बेड जो है वो 30% 40% के आसपास जरूरत है। उस ऑक्सीजन के लिए इन्होंने कहा कि मुझे तो भाई 900 टन जो है पर डे ऑक्सीजन चाहिए। इस तरह से ये एक पहले क्रिएट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, प्रोपेगेंडा के जरिए
राजनीति करने की कोशिश करते हैं, ऐसे में जनता की जान की जो है इनकी कोई इनके नजर ठीक है। चलिए संजय जी का रुख कर लेते हैं। संजय जी, क्यों महाराष्ट्र सरकार ने अभी 18 साल के ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने से इनकार कर दिया है? कहा कि पहले 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, उसके बाद 18 से 45 साल तक के लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। महाराष्ट्र की बात करूंगा, उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि माननीय समित पात्रा जी कह रहे थे मैंने वैक्सीन वहाँ इसलिए भेज दी, वहाँ शांति दूतों को लगनी है, हमारे सैनिकों को लगनी है। मैं कहता हूँ कि वहाँ सरकार नहीं लगा सकती थी। आज आप देखिए, आज हमारी जो जनता जनसंख्या है 130 करोड़ है, आप वैक्सीन लग रहे हैं 2 डोज, मतलब 260 करोड़ रुपए जनसंख्या को लगना है, लेकिन लगी कितनी है अभी? 13 करोड़ को लगी पहली, 3 करोड़ लगी दूसरी, और 30 लाख को लगी 18-24 साल के लिए। आपने 1 मई को घोषणा कर दी था वो वैक्सीनेशन हम 18 साल वाले को देंगे। तो मैं ठीक पूछना चाहता हूँ, 1 साल पहले कोविड आया था तब उसके बाद ही लोग महिमामंडन करने लगे कि साहब हमने कोरोना पर विजय पा ली है, ये लोगों पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे थे उनको जबकि स्वास्थ्य सेवाएं जितनी भी है, जब कोई महामारी आती है तो स्वास्थ्य सेवाएं केंद्र सरकार के पास चली जाती है। केंद्र सरकार जाने के मतलब हो गया वैक्सीन है, वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन है, जो भी हमारी जीवन रक्षक दवाइयां हैं, जो भी हमारी चीजें हैं, वो सब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। अब हमारे 260 करोड़ जनता को वैक्सीन लगनी है, तो इन्होंने अभी तक निर्माताओं को उसके लिए राजी क्यों नहीं किया, या निर्माताओं को बनवाने क्यों नहीं किया? आप जबरदस्ती देश में हाहाकार मचवा रहे हैं। देश में हाहाकार मचवाने की जिम्मेदारी किसकी है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी ठीक है डॉक्टर राहुल, डॉक्टर राहुल करूँ कर लेते हैं। डॉक्टर राहुल, क्या ये अधूरी ठीक है सर, ठीक है अधूरी अधूरी तैयारी क्या देश के ऊपर भारी पड़ती हुई आपको दिखाई दे रही है कि वैक्सीनेशन को लेकर एक बहुत बेहतर तरीके से एक प्लान तैयार नहीं किया गया, एक योजनाबद्ध तरीके से चीजें आगे नहीं बढ़ाई गई, और यही वजह है कि आज वैक्सीनेशन के लिए लोगों को लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है और शाम को मायूस होकर वापस घर लौट जाते हैं? प्रिवेंटिव स्टेप ही हमें अपनानी होगी, जिसमें चाहे वो एप्रोप्रिएट बिहेवियर हो चाहे वैक्सीनेशन। एंड वैक्सीनेशन का जैसा हमने देखा कि सेकेंड वेव इतना जल्दी और इतना स्पीड से आई कि हम लोगों ने बिल्कुल समय नहीं दिया, चाहे वो तैयारी हॉस्पिटल्स की हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, चाहे सरकार की हो। लेकिन यस, वैक्सीनेशन इज द वे फॉरवर्ड। वैक्सीनेशन के बिना कोई काम नहीं चलने वाला है, जिसके लिए हमें एक स्ट्रैटेजिकली हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेटा को वैक्सीनेट करना होगा, डिफरेंट डिफरेंट एरिया को वैक्सीनेट करना होगा। अगर हम ये बाहर जाएंगे तो वैक्सीनेशन से भी उतना फायदा नहीं उठा पाएंगे जितना हम लोगों को फायदा लेना चाहिए। वैक्सीनेशन के साथ हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना, आइडेंटिफाई करना है कि किन किन लोगों को वैक्सीनेट करना है, वैक्सीनेशन सेंटर को और सुदृढ़ बनाना है ताकि वहाँ पर इन्फेक्शन हो। अगर आप आज देखेंगे तो मैक्सिमम केसेस उन लोगों के आगे के जो वैक्सीनेशन करवाने गए और इन्फेक्ट हुए। तो इट इज नॉट क्लियर वैक्सीन वैक्सीन के साथ किस तरह से वैक्सीन जा रहे हैं, क्या उसके इंतजाम किए जा रहे हैं, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एंड डेफिनेटली अगर वैक्सीन का क्राइसिस है तो सारी सरकार एक साथ मिलकर प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। बिल्कुल कदम उठाने की तो यहाँ पर जरूरत है, लेकिन महेश जी एक सवाल यहाँ पर बहुत अहम हो जाता है, जो हालात और जो स्थितियां बनी हुई है, तमाम और राज्य आयात करने पर वैक्सीन को विचार कर रहे हैं या फिर टेंडर निकाले गए हैं कि कोई बाहर की कंपनी आकर वो टेंडर ले ले और हमें वैक्सीन बाहर से जो है सप्लाई हो जाए। ऐसे में महाराष्ट्र असम को छोड़ दीजिए, लेकिन अब मैं बात यूपी की करती हूँ, यूपी की सरकार भी इस ओर कदम उठा रही है सर, क्या ये सरकार की तैयारियों पर बट्टा नहीं लगाता, सवाल नहीं खड़े करता महेश जी? नहीं जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। इसी सवाल यह है कि अगर हम तैयारी हमारे जैसे कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, इसी प्रकार से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी ऐसा कुछ इनिशिएटिव लिया हमें सुनने में आया है, तो ये अच्छी बात ये है कि देखिए ग्लोबल टेंडर हो रहा है और वैक्सीन की तैयारी, वैक्सीन का इंतजाम जो है पहले से करके राज्य सरकार अगर कर रही है उसके लिए कोई प्रयास कर रही है या इस तरह की चीजों को अभी से ही शुरू कर दिया गया, उसकी कवायद अभी से शुरू होगी, तो क्या होगा कि आगे चल के जो वैक्सीनेशन का जो सेकेंड डोज दिया जाना है
या ये कह लीजिए कि आगे और जरूरत जैसे जैसे बढ़ेगी उसकी पूर्ति के लिए हमारे पास स्टॉक और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अगर वैक्सीन होगी तो लोगों को जो है परेशानी कम होगी और जो एक सुलभता के साथ इस अभियान को या कोरोना को हराने का एक जो प्रयास है संकल्प है हमारा पूरे देश का और हमारी पूरे जो ट्रेनर लोग हैं या वो डॉक्टर हैं या नर्सेस हैं या जो लोग भी हैं इस काम में जो लगे हुए हैं उनके भी ये कहीं संकल्प साकार होते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रयास जो है इस बात के लिए उस सरकार को या वो बीजेपी की सरकार हो या बीजेपी से अलग सरकार हो ये काम दिल्ली में भी केजरीवाल कर सकते थे लेकिन 1400 करोड़ रुपया इन्होंने विज्ञापन पे तो डाल दिए। वैक्सीन लोगों को नहीं लगवा सकते हैं, हॉस्पिटल ऑक्सीजन का पर्याप्त इंतजाम नहीं कर सकते हैं, लोगों को जो है सड़कों पे मरने के लिए छोड़ सकते हैं। अरे सवाल ये है कि आप ये कब तक इस तरह का जो है प्रपंच करते रहोगे, इस तरह के प्रतिबंध और इस तरह के प्रपंच की राजनीति, भगवान भी इन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। ठीक है खरेंद्र जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र भी महेश जी कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के गाइडलाइन के कारण आप लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि आपको जो वैक्सीन है कोवैक्सीन वो नहीं मिल पा रही है, आप 67 लाख ऑर्डर दे रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं मिल पा रही है और ये लगातार आरोप आप लोगों की तरफ से लगाया जा रहा है। तमाम और सरकारें भी तो आयात करने पर विचार कर रही है, आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? जी 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 1 करोड़ के आसपास या 1.5 करोड़ के आसपास आबादी मान लीजिए दिल्ली का है जिसमें ये 67 लाख का भी मांग रहे हैं जिसमें बच्चे जो है 18 लोग रहते हैं, अब उन 35% लोगों को 45 लाख को अगर निकाल लीजिए 1.25 करोड़ में से तो आपके पास जो आबादी बचती है वो आपकी लगभग 80 लाख के आसपास बचती है जिसमें आपने जो है फ्रंट लाइनर है जो हमारे पैरामेडिकल मेडिकल स्टाफ है या जो सरकारी लोग हैं उन सब लोगों को अगर उसमें कहीं ऐड ऑन करके और 45 से लेके और जो 60 और 55 वाला जो हमारा वो कैटेगरी था उनको लगा लीजिए तो वो संख्या कम से कम 25-30 लाख है। तो ये 67 लाख की ये जो डाटा है ये कहाँ से लेकर आ गया? ठीक है जवाब ले लेते हैं गणेश जी। ये तो अपने आप में ये तो राजनीति करने का इनका एक तौर तरीका इन लोगों ने जो अख्तियार किया, इसमें भी राजनीति कर रहे हैं क्या गणेंद्र जी? ऐसे ऐसे जमराजों से ऐसे जमराजों से प्राण हरण करने का काम कर रहे हैं। ठीक है सुन लेते हैं। देखिए नेहा जी, जब से पेंडेमिक आई इनका कसूर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के दिखाया जाता है पढ़ाया जाता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल जाना कुछ नहीं कर, और यही काम हर्षवर्धन कर रहे हैं, यही काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, यही काम अमित शाह कर रहे हैं और यही काम महेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, सुन लीजिए, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि देश के लोगों को वैक्सीन टाइम पे मिले इसकी जिम्मेदारी वैक्सीन मैनेजमेंट कौन कर रहा है? लेकिन सर दिल्ली वासियों को ही मिले क्या? क्यों उत्तर प्रदेश को नहीं मिले, मध्य प्रदेश को नहीं मिले, हरियाणा को नहीं मिले क्या, महाराष्ट्र को नहीं मिले क्या सर? नेहा आपने हालात देखे? सर हम तो हालात पूरे देश के देख रहे हैं, हम सिर्फ दिल्ली को ही एक अलग चश्मे से नहीं देखते हैं गणेंद्र जी। या तो एपीएन चैनल उसको न्यूज को कवर नहीं कर रहा, बाकी चैनल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी वैक्सीन नहीं मिल रही, हरियाणा में भी नहीं मिल रही, कर्नाटक में भी नहीं मिल रही, पंजाब में भी नहीं मिल रही। नहीं सवाल मेरा जो मेरा सवाल है उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। सुन लीजिए ना सवाल सुनिए ना सर। सवाल इस बात को लेकर है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अगर आयात करने पर विचार कर रही है, महाराष्ट्र की सरकार, असम की सरकार आयात करने पर विचार कर रही है वैक्सीन को, तो फिर आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली की सरकार क्यों नहीं बजाय आरोप के? जवाब दूंगा मैं आपको, आप सुनना नहीं चाह रही। सर सुनना तो मैं चाह रही हूँ लेकिन आप वो बताना नहीं चाह रहे ना, जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। आप 10 सेकंड में अगर डिस्टर्ब कर दोगे किसी भी पैनलिस्ट को सर, आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है सर आप उसी का जवाब दीजिए ना। सुन लीजिए जी, एक तरफ तो देश में सिर्फ 2 कंपनी वैक्सीन बना रही है, एक का नाम है भारत बायोटेक, एक का नाम है सीरम इंस्टीट्यूट। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट जो वैक्सीन बनाती है वो वैक्सीन उठा के देश की सरकार विदेशों को भेज देती है। दूसरी सरकारें मांगती है, राज्य सरकारें मांगती है तो ये कहा जाता है कि आप ग्लोबल टेंडरिंग में जाओ। अरे ग्लोबल टेंडरिंग का मतलब समझ रहे हो? ग्लोबल टेंडरिंग में जाने का काम केंद्र की सरकार का है। ग्लोबल टेंडरिंग में क्या होगा कि दिल्ली ने मान लो वैक्सीनेशन के प्राइस 1200 रुपए है और दिल्ली ने कहा मैं 1200 रुपए में खरीदूंगा, ठीक है, और कर्नाटक बोलेगी मैं 1600 रुपए में खरीदूंगा, ठीक है, कर्नाटक और दिल्ली का कंपटीशन हो जाएगा, ठीक है, जो ज्यादा परचेजिंग जो ज्यादा वहां पे बिड लगाएगा
उसको वैक्सीन मिल जाएगी, कर्नाटक को मिल जाएगी, दिल्ली हाथ पे हाथ रखी बैठ जाएगी। ठीक है संजय, संजय जी, और ग्लोबल टेंडरिंग में जाएगा कौन, केंद्र सरकार जाएगी। ग्लोबल टेंडरिंग में जाने का काम तो केंद्र सरकार का है, फिर महाराष्ट्र की सरकार क्यों कर रही है ये काम? एक सेकंड सर, आप सुन लीजिए, दूसरे पैनलिस्ट का भी नंबर आने दीजिए। घनेंद्र जी एक सेकंड रुक जाइए, सर शांति रखिए थोड़ा सा, आप दूसरे पैनलिस्ट का भी नंबर आने दीजिए। संजय जी आप मुझे ये बताइए, जिस बात का जिक्र अभी घनेंद्र जी कर रहे हैं कि जी ग्लोबल टेंडरिंग में जाने का काम तो केंद्र सरकार का है, फिर महाराष्ट्र सरकार क्यों कर रही है? संजय जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए संपर्क हमारा टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन एक डॉक्टर राहुल, मेरा आपसे सीधा सा सवाल है कि जो वितरण प्रणाली है क्या उसमें कुछ हेर फेर करने की जरूरत है, क्या उसमें बदलाव करने की जरूरत है कि 50% अगर केंद्र को दवाइयां दी जाएगी, वैक्सीन दी जाएगी, 50% ही राज्यों को दवाइयां दी जाएगी, वैक्सीन दी जाएगी, उसके अंदर कुछ बदलाव करने की जरूरत समझते हैं क्या आप? तो आई थिंक वैक्सीन शुड बी अवेलेबल टू ईच एंड एवरीवन, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट ऑफ वैक्सीन विद एवरीवन। सो डेफिनेटली स्ट्रेटजी हैज टू बी चेंज्ड, यू कैन नॉट जस्ट अवॉइड सम because it is the state government or provide some services in the central government. So this system has to be changed. We need to prioritize the patient or the public. That these are the public who needs this vaccination irrespective of the state government. So that is how it has been distributed rather than state wise or government wide that is. जी ठीक है महेश जी, क्या अब सरकार को रोड मैप नहीं तय करना चाहिए या एक पेश नहीं करना चाहिए किस तरह से वैक्सीन लोगों तक पहुंचाई जाएगी? पारदर्शिता जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं, वो पारदर्शिता आखिर क्यों नहीं दिखाई देती वैक्सीन को लेकर? इसी पारदर्शिता वाली जो बात है ना, हमने इस देश में जो था वो बहुत कम टाइम में अगर संभव हो सका तो किसने किया? सरकार का अगर संकल्प नहीं होता इससे लड़ने का तो ये संभव नहीं था। दूसरी बात कि आप हम ये प्रत्यक्ष प्रमाण, ये मीडिया रिपोर्ट है कि 115 दिन में 17 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर देना गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज, इतनी तेजी से और इतने अच्छे रफ्तार से लोगों को बचाने का ये जो मुहिम था, अभियान था, जिसको धीरेन्द्र करने का लिहाजी प्रयास क्या नहीं किया गया? कौन सा नेता अभिनेता बन के इसमें नहीं कूदा? ये केजरीवाल के और आम आदमी पार्टी के बोल क्या थे जब ये हमने टीकाकरण शुरू किया? तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि इनका जो जिस तरह का सोच है और समझ है इस बीमारी से लड़ने का, हम तो इनसे प्रार्थना करते हैं। गणेश जी बहुत ही मेरे अच्छे, नहीं सर सोच के ऊपर तो तब भी सवाल खड़े हुए थे ना महेश जी, जब पश्चिम बंगाल में रैलियां हो रही थी, अपने पार्टी के मुखिया को कम से कम इस बात के लिए जाके कहें कि हमें जो है अब और लज्जित और शर्मिंदगी ना उठानी पड़े टीवी चैनलों पे और दर्शकों के सामने। इसलिए जरूरी है कि ये वो काम करे जिससे दिल्ली की जनता की जान बचाई जाए। जी महेश जी आप सोच की बात कर रहे हैं सर, आप सोच की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे माफ कीजिए आपको रोकना पड़ रहा है कि सोच के ऊपर तो तब भी सवाल खड़े हुए थे सर, जब पश्चिम बंगाल में रैलियां हो रही थी, जनसभाएं हो रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही थी, मास्क किसी के चेहरे पर नहीं था, ना ही नेताओं के, ना ही आम जनता के, और किस तरह से अब कोरोना का आंकड़ा वहां बढ़ रहा है ये भी आप लोगों के सामने ही है। तो क्या वहां पर सोच की जरूरत नहीं थी? अगर यहाँ पर वैक्सीन को लेकर सवाल उठा दिया जाता है तो आप सोच की बात करते हैं? नहीं, मैं तो उस बात को भी कहीं सामने रख के बात करूंगा। आपका बहुत प्रासंगिक सवाल है और इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। और आपको मैं बताऊं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां उसके प्रतिनिधि जब जाते हैं चुनाव के बाबत, जब मीटिंग होती है तो उसमें एक तय किया जाता है कि हम चुनाव में क्या क्या चीजों को करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब तैयार होता है तो नेहा जी चुनाव आयोग सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बुला के उनसे कंसल्टेशन करके और तब अपना रोड मैप डालता है। जो रोड मैप वहाँ डाला गया और जो वहाँ की लचर व्यवस्था थी पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में क्या चुनाव आयोग ने ये कहा कि भाई टीकाकरण बंद कर दो? क्या किसी ने ये सोचा कि भाई वहाँ को लेके कोई ऐसा चीज करना ही नहीं है? जो वहां पे पुलिस प्रशासन अमला जमला था, क्या रैलियों में इस चीज के लिए एहतियात बरती जाए?
या आप ये मान लीजिए आप रैली के इधर भी आप ये सोचिए कि कहीं मॉल है, कहीं रेस्टोरेंट है या कहीं शादी विवाह है, जब प्रशासन चुनाव आयोग ने जब स्पष्ट रूप से एक रूल मैप बना के वहाँ के शासन प्रशासन की सेक्रेटरी को सबको ये दे दिया था, तो उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि भाई ऑब्जर्वर होता है चुनाव का, चुनाव पर्यवेक्षक होता है, जिम्मेदारियां तो सबकी बनती है। बाद में रैलियों को कम करने का, बाद में रैलियां ना करने का और जनसभाएं ना करने का फैसला किया गया, सर ये फैसले तो पहले ही कर लेने चाहिए थे ताकि लोगों की जिंदगी के साथ तो खिलवाड़ ना होता। नहीं नहीं, ये जितनी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती है सबसे तो बीजेपी के भी होती है, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे फिर दूसरे पार्टियों से बीजेपी को कैसे हम अलग समझे, ये बताइए ना। मैं तो कह रहा हूँ कि हम भी उसी में शामिल है, लेकिन क्या मुझे ये बताइए इस लोकतंत्र में सिर्फ हम ही उस चीज का अमल करें? ये लोग तो चुनावी रैली को संबोधित करेंगे केरल में, तमिलनाडु में, उसी भीड़ में चलना जरूरी हो जाता है। आपके 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 हाथ में सर, आम आदमी पार्टी के हाथ में दिल्ली है, आपके हाथ में पूरा देश है। अगर आप पूरे देश के लिए नहीं सोचेंगे तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े होंगे ना। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं डॉक्टर राहुल से जानना चाहूंगी। डॉक्टर राहुल, आप मुझे ये समझाने की कोशिश करें, जो हालात और जो स्थितियां इस बीच, जो फर्स्ट डोज ले चुके हैं, जो पहली डोज ले चुके हैं कोरोना की, उनको सेकेंड डोज कितनी प्राथमिकता के साथ दी जानी चाहिए, और क्या उसमें जो लेट लतीफी हो रही है वो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि खतरनाक हो सकता है उन मरीजों के लिए, या उस पहली डोज का भी फायदा उन्हें ना मिले, इस तरह की चीजें निकल के सामने आ सकती है? आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा एक डोज का फुल इम्यूनिटी नहीं मिलती है, तो जब भी हम एक होते हैं उसके पार्शियल इम्यूनिटी रखते हैं और उसके बाद डोज एज ए काम करते हैं जिसके दो हफ्ते के बाद इम्यूनिटी डेवलप होती है। पर हम और डिले के बाद कितनी इफेक्टिव होगी कि कोई रिसर्च नहीं है, तो जो रिसर्च माध्यम पाया गया है उससे हर पेशेंट दो डोज सही टाइम पर, अगर कोई डिले हो रहा है डेफिनेटली एक वैक्सीन के बाद हम देखें बहुत सारे केसेस हैं, तो अगर वो डिले हट जाता है डेफिनेटली रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, गजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, गणेंद्र जी अपनी बात रखिए। देखिए मैं पहले भी कह रहा था, आवाज आ रही है आपको? अभी तक मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, जवाब नहीं दिया। संजय जी मैं आपको मौका देती हूँ, गणेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं जी। देखिए मेरा भी और देश के लोगों का पूरा सा सवाल है कि देश को वैक्सीनेशन चाहिए और दिल्ली को भी चाहिए, देश को भी चाहिए। आज वैक्सीनेशन ही एक ऐसी चीज है जो हमें और आपको कोरोना से बचा सकती है, और क्योंकि अभी तीसरी लहर की भी चेतावनी साइंटिस्ट ने दे दी है और तीसरी लहर से अगर हमें बचना है तो उसका सीधा सा है कि हमें वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करनी है। जो भारत सरकार जिस तरीके से काम कर रही है और जिस तरीके से भी दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इससे तो 2 या 3 साल लग गए हैं। कल भी हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने केंद्र सरकार से आग्रह करा है कि इन दोनों कंपनियों के अलावा जो फार्मास्यूटिकल कंपनी सेफ वैक्सीन बना सकती हो आप उनको उससे फार्मूला दिलवा दीजिए, और रॉयल्टी अगर चाहिए भारत बायोटेक को या सीरम इंस्टीट्यूट को तो उनको दे दे। लेकिन क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करोगे, क्योंकि देश हमारा बहुत बड़ा है, तकरीबन 130-140 करोड़ का देश है, 130-140 करोड़ लोगों को अगर आपने वैक्सीनेट करना है, क्योंकि अब जो नई थर्ड वेव है वो ये कह रहे हैं कि बच्चों के लिए भी है। अमेरिका ने, यूके ने, यूरोप ने ऑलरेडी इस पर काम शुरू कर दिया, वो वैक्सीनेशन शुरू हो गई। ठीक है, हमें भी अगर देश को बचाना है देश के लोगों, बिल्कुल, तो वैक्सीनेशन तेज रफ्तार से करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, संजय जी का रुख कर लेते हैं। संजय जी सवाल इस बात को लेकर है, अभी गणेंद्र जी कह रहे थे कि ग्लोबल टेंडरिंग में जाना वो केंद्र सरकार का काम है, राज्य सरकार क्यों जा रही है, हम तो नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल देखिए गजेंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं उनके पास समर्थन करता हूँ। जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ऑक्सीजन है, वैक्सीन है, दवाइयां हैं, उसके बाद केंद्र सरकार यहाँ तो मैं अभी मैं उनके बात सुन रहा था मनोज जी की, वो कह रहा था पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग ने क्यों नहीं रोक लगाई, तो मैं इनसे पूछा जाता हूँ प्रधानमंत्री किसको बनाया है देश ने,
देश की जनता ने प्रधानमंत्री किसको बनाया? प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बनाया। तो जनता के प्रति किसकी किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? चुनाव की जिम्मेदारी होनी चाहिए या प्रधानमंत्री गृहमंत्री की जिम्मेदारी होनी चाहिए? आज जो पश्चिम बंगाल में कोरोना बढ़ रहा है या पंचायत चुनाव जो उत्तर प्रदेश में कोरोना बढ़ रहा है या कर्नाटक में बढ़ रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी खुद क्या सरकार की? आज जो हवाबाजी कर रहे हैं लोग बैठ के चैनलों में डिबेट में, ये बहुत गलत है कि हमारे जो 4000 मौतें हो रही हैं, इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? मैं तो कहता हूँ मौतों की जिम्मेदार केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार को 10-10 लाख रुपए का जो जो भी ऑक्सीजन कमी बने, दवाइयों कमी बने, उसको 10 लाख इस डिबेट का मत देनी चाहिए। इस डिबेट का मकसद बिल्कुल भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना नहीं है सर। हम इस डिबेट के जरिए निष्पक्ष तक पहुंचना चाहते हैं, एक निचोड़ तक पहुंचना चाहते हैं। आर्थिक मदद देनी चाहिए लोगों को। ये सब हवाबाजी करते बैठ के महिमा मंडल करते रहे साल भर मोदी जी ने कोरोना विजय पाली विजय ऐसे पाई जाती है। और कहीं नहीं, कोरोना हो गया कितने देशों में, सेकेंड ईयर कहीं नहीं आ गई है, लेकिन इस देश में क्यों आ गई? वो आने पर इतनी मौतें क्यों हो रही है? क्यों कुप्रबंधन अधूरता? जब आपको मतलब ही नहीं है महेश जी, जिस बात का जिक्र किया जा रहा है, क्या वाकई इसमें सच्चाई है? कुप्रबंधन यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अब जो जो हालात और जो स्थितियाँ बनी हुई है, ठीक है सर, सवाल कर ले, ठीक है सर। संजय जी ठीक है, समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं सर, समझ गए। ठीक सुप्रीम कोर्ट ने देखा, क्योंकि हाईकोर्ट की जारी है क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है? ठीक है, दिल्ली और महाराष्ट्र व्यवहार अलग व्यवहार करते हैं, ये व्यवहार करना गलत है। दिल्ली की जो बेइज्जती करते हैं, अब सवाल तो पूछने दीजिए सर। ठीक है, आप धैर्य रखिए थोड़ा सा। संजय जी थोड़ा सा, आज वैक्सीन नहीं है तो 1 मई को वैक्सीन लगाने का घोषणा क्यों की गई? हाँ मैं पूछूंगा तो ठीक है, पूछ लेते हैं सर, पूछ लेते हैं, धैर्य तो रखिए महेश जी। सवाल इस बात, ठीक है सर, थोड़ा धैर्य रखिए सर, पूछने तो दीजिए महेश जी, तभी तो जवाब देंगे जब सवाल पूछा जाएगा। महेश जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जिस बात का जिक्र अभी संजय जी कर रहे थे कि जब एक ये 16 जनवरी से इस टीकाकरण की शुरुआत कर दी गई थी, 1 मई से ये कह दिया गया कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी लगेगा, सर जब वैक्सीन की इतनी किल्लत थी तो क्यों आखिर किया गया? और जब किल्लत इतनी ज्यादा है तो मैं इस 2-3 कंपनियों को ही क्यों, और तमाम और कंपनियों को क्या नहीं लगता आपको कि ये फॉर्मूला देकर वैक्सीन बनाने की इजाजत देनी चाहिए, जिस बात का जिक्र अभी घनेन्द्र जी भी कर रहे थे? ये तो इनका अलाप बिलाप प्रलाप जो है ना, ये मैंने आपसे कहा ना, ये तो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ये चाहते हैं इस देश में कि इस देश को कोरोना से जो बचाने का हमारा अभियान है, संकल्प है, उसको किसी तरह से डिलेड कर दें। और सत्ता की इनकी भूख ऐसी बढ़ी हुई है कि अब ये कह रहे हैं, ये संजय दुबे जी इनको कुछ पालू, प्रधानमंत्री का काम नहीं है चुनाव कराना। दूसरी बात की आपने इनसे सवाल पूछा कि क्या केंद्र सरकार जो है ग्लोबल टेंडर करती है, ये घनेन्द्र जी जैसे झूठ बोल गए उसका समर्थन ही कर गए। ये राज्य सरकार का ये अधिकार है कि अगर उसे कोई कई ऐसे कामों का ग्लोबल टेंडर करती है राज्य सरकार, ऐसा थोड़ी है कि इसके लिए कोई रोकथाम है। अब रही तीसरी बात की, भाई ये जो कह रहे हैं कुप्रबंधन किसे कहते हैं? प्रबंधन जो है महाराष्ट्र में लेवल और कैटेगरी में आज महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन जो है, जहाँ पे शिवसेना की सरकार है वहाँ सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। उस वैक्सीनेशन को अगर उस चेहरा को सामने रख के बात करेंगे, ये अभी जितनी भी बातें करी हैं इन्होंने, ये सारी जो है ना, ये जितना इन्होंने आरोप हमारे ऊपर लगाया वो सब आरोप इन्हीं के ऊपर। लेकिन आप इसको तो मानेंगे ना, इस बात को तो महेश जी आप मानेंगे ना कि हालात बहुत खराब है और वैक्सीनेशन के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हो रहे हैं सर। क्या हर किसी का ये हक नहीं है कि उसे निशुल्क वैक्सीनेशन उसकी हो? सुनिए, एक इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं, या कोई भी राज्य सरकार, सवाल यह है कि जैसे ही लॉकडाउन का शिथिल किया गया और शिथिल करने के बाद जिस तरह से बाजार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या मार्केट या जो चीजें जगह पे जिस तरह की भीड़ दिखाई पड़े, शराब की दुकानें जो है ना, आपको सुन के हैरानी होगी कि दिल्ली में जो है केजरीवाल सरकार लॉकडाउन में जो है शराब की दुकानें खुलवा खुलवा के शराब लाइनों में लगवा के
जिस तरह से कोरोना बांटने का काम किया गया शराब के साथ, एक बात। दूसरी बात आपको और बताऊं कि सबसे नहीं देखिए ये सब चीजें कहे कि महेश जी अपने अपने जिम्मेदारियों से नहीं बचा जा सकता। देखिए हम उसी बात पे आ रहे थे। आप एक मिनट दीजिए मुझे, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी राज्य सरकार, कोई भी जिला प्रशासन या शासन प्रशासन, कोई भी हो, अब एक हॉस्पिटल है उसमें अगर मान लीजिए मरीज आ रहे हैं, 100 बेड है और उसमें 100 मरीज आने लगे और उसके पास इंतजाम 50 के हैं तो 50 का तो और करेगा ना, ये हॉस्पिटल ही बताएगा ना, ये डॉक्टर ही बताएगा ना, उसे क्या जरूरत है। इसी प्रकार से राज्य सरकार का वहाँ जो अमला जमला है, अगर इस तरह से खुलेआम अगर अपनी जनता को इजाजत देता है कि भाई आप यहाँ जा सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, और वो भी कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, वैसी सूरत में वैक्सीनेशन की जरूरत थी, उसका मैनेजमेंट होना चाहिए था, राज्य सरकार को उस समय अपनी एक रोड मैप बनाना चाहिए था इसको अच्छे तरीके से, और वैक्सीनेशन को उसी तरह से अहमियत देनी चाहिए। लेकिन सर देखिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से बेहतर है कि अपनी जिम्मेदारियों को इंसान समझे, सरकारों को भी अपनी जिम्मेदारियों को यहाँ पर समझने की जरूरत है। डॉक्टर बाबू ने मेरा एक सीधा सा सवाल आपसे है, संजय जी एक सेकंड और लूंगा जी। प्रधानमंत्री ने जब वैक्सीनेशन लगाया उसको भी क्या मालूम है क्या कहा गया सोशल मीडिया पे, क्योंकि उन्होंने तो पानी का इंजेक्शन लगाया है, तो इस तरह से मजाक उड़ाया गया जिस वैक्सीनेशन की, आज उसकी इम्पोर्टेंस अब इन लोगों को समझ में आ रही है, और देखिए कैसे ये चीख और चिल्ला रहे हैं, इनके आलाप विलाप और प्रलाप जो है इतने अजीब से लगते हैं। अब इनके उस समय का स्टेटमेंट निकाली और आपका निकाली, आपको पता चल जाएगा कि ये लोग कितने संजीदा ठीक है सर। उस वक्त के भी स्टेटमेंट हमने देखे हैं और हम आज के भी देख रहे हैं, आज के हालात से भी हम बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। लेकिन डॉक्टर राहुल एक सवाल आपसे है सर, अभी जो वैक्सीनेशन हो रही है उसमें अभी तक जो खबरें निकल के सामने आई है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन होगी उसके बाद 3 महीने तक जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग रहेगी, उसके बाद सर ये एक साथ पूरी देश की जनता को वैक्सीनेट करना, 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी, 3 महीने का वक्त बीत गया, महज 17 करोड़ लोगों को ही वैक्सीनेट किया गया है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है क्या इस रफ्तार से अगर हम चलेंगे तो जो 16 जनवरी को जिनको टीका लगा था उसके बाद क्या आपको लगता है कि 8 या 6 महीने या फिर 10 महीने या फिर 1 साल बाद उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग रहेगी या फिर उनको दोबारा वैक्सीनेट करने की जरूरत आएगी, कैसे कोरोना से निजात मिल पाएगी इस दौरान? तो आई थिंक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रिसर्च क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिया में रिसर्च नहीं हो रही है, बाहर की जो इन वैक्सीन ये देखा गया है कि कुछ वैक्सीन 6 से 8 महीने क्योंकि अभी इतना ही टाइम वैक्सीन लगता है और वो रिसर्च जारी है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसी कोई रिसर्च नहीं हो रही है, हम ये देखें जिन लोगों को हो गया है उनको ट्रैक किया जाए, कितने लोगों को दोबारा हो। एंड दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वैक्सीनेशन से ज्यादा एक हॉस्पिटल पेशेंट के केयर के लिए अपना व्यक्त कर रहा है, तो वैक्सीनेशन शायद एक लोअर चला गया है कि हर हॉस्पिटल पेशेंट से भरा। सो आई थिंक वैक्सीनेशन सेंटर बनाना भी एक अच्छा सोल्यूशन है, जहां जाकर सिर्फ पेशेंट वैक्सीन ले, हॉस्पिटल में पेशेंट अपना इलाज करा। लेकिन कारगर है रिसर्च का क्वेश्चन है, जो पूरी दुनिया भी एंड कुछ वैक्सीन का देखा गया है कि 8 महीने तक असर रहता है, लेकिन अभी तक क्लियर कट आंसर हमारी वैक्सीन किसी के पास नहीं है। ठीक है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने उठाया जी कि जब तक हम सारी जनता को वैक्सीनेट करते तब तक पुरानी जनता का क्या होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कवरेज होना चाहिए वैक्सीनेशन का और एक साथ होना चाहिए ताकि हर कम्युनिटी डेवलप। जी जी जी, बहुत आ, 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 बहुत ऐसे सवाल जहन में आते हैं कि क्योंकि लगातार इस तरह के जो मामले हैं सामने आ रहे हैं। घनेंद्र जी सवाल इस बात को लेकर है कि क्या बिना आधार कार्ड और प्रमाण पत्र के टीका नहीं मिलना चाहिए क्या? जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, प्रमाण पत्र नहीं है, अगर वो टीका लगाने के लिए जाता है उसको टीका नहीं मिलेगा क्या? देखिए निश्चित तौर पर नेहा जी मैं आपसे इस बात से सहमत हूँ कि देश के 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिलनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन का मैनेजमेंट, वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन, वैक्सीन की परचेजिंग, वैक्सीन की ऐप को कंट्रोल करने का काम केंद्र सरकार का है। पूरी चर्चा में महेश वर्मा जी ने आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, सबको बुरा भला कह दिया, लेकिन इनसे कोई पूछे कि देश में
पिछले 9 साल 8 साल से सरकार किसकी चल रही है, 7 साल से सरकार आपकी है और विपक्ष को कोसने में लगे हो, उन्होंने ये नहीं करा, कांग्रेस ने नहीं करा, अरे सरकार आपकी भैया, सरकार में आप हो, सत्ता में आप हो, देश को वैक्सीन देना आपका काम है, देश के लोगों की जान बचाना आपका काम है, पेंडेमिक में लोगों को इंजेक्शन मिले, दवाई मिले, ऑक्सीजन मिले, बेड मिले, ये सब आपका काम है, ये हमारा काम नहीं है, ये सब आपका काम है, आपको करना है। देश के लोगों ने दो दो बार भारी बहुमत से, भारी मैंडेट से आपकी सरकार बनाई है, आप लोगों को बार बार लगता होगा कि आप लोग विपक्ष में हो, लेकिन भैया देश के लोगों ने आपकी सरकार बनाई है, प्रधानमंत्री आपके, वो स्वास्थ्य मंत्री आपके जो घर में मटर खेलते रहते हैं, लूडो खेलते रहते हैं, लेकिन दवाई और ऑक्सीजन की बात करो तो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, दवाई भी मिल रही है, ऑक्सीजन भी मिल रहे हैं, बेड भी मिल रहा है, सब कुछ, इंजेक्शन भी मिल रहे हैं। ठीक है, महेश जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं। इतने लोग उत्तर प्रदेश में मर गए, हम तो एमएलए मर गए, गणेंद्र भाई मर गया, गणेंद्र भाई आपकी बात को मैं मानते हुए बहुत ही विनम्रता के साथ एक बात कहूंगा कि ये तो हम चलिए केंद्र में हमारी सरकार है, चुनी हुई सरकार है, हमारी ड्यूटी है, हमारा ये कर्तव्य है, राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम ऐसे में जब देश की जनता की जान शासन में पड़ी है तो हम मदद करें। सरकार का अच्छा, आप सुन लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए, आपने जो सवाल खड़ा किया है उसका जब मैं जवाब दे रहा हूँ, आपसे आपसे कह रहा हूँ, नहीं मैं आपको सुनना पड़ेगा ना, सुन लीजिए गणेंद्र जी, अगर आप सवाल उठा रहे हैं सर तो जवाब भी सुनिए, सुन लीजिए, धैर्य रखिए। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि चलिए हम तो कह रहे हैं कि हमारी जो जिम्मेवारी है हम उसके तहत जो बन सकता है हम करने के लिए, हम तो एक लेबोरेटरी से 130 करोड़ लोगों को संक्रमण से बचाए, हमने 80 करोड़ परिवार को जो है वो सारा राशन दिया, हमने पूरे जो अपनी हमारी जो कोशिश थी सामर्थ्य हमने किया, आपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से क्या किया, शराब की दुकान खोली, शराब लोगों को पिलवाया, वो भी लॉकडाउन में, सुन लीजिए आप छटपटाइए मत, आप आ जाइए, अब मैं आपको धरातल पे ले आता हूं, इसके बाद आप ब्लैकमेल करते हैं आपके डिप्टी सीएम की 5,000 करोड़ रुपया अगर नहीं मिलेगा तो दिल्ली में कोरोना की मरीजों की संख्या बढ़ जाएगी, उसके बाद आप सुन लीजिए, आपको वैक्सीनेशन करना था आप दिल्ली में जो है कोरोना मरीज, कोई भी कोरोना मरीज, आपने प्राइवेट हॉस्पिटल को कहीं भी बंदिश नहीं किया, किसी भी तरह से आपने शुरुआत में ऐसी कोशिश नहीं करी कि आपकी जरूरत क्या है, आपने कोई रोड मैप नहीं बनाया। ये वक्त है कि एक साथ मिलकर इस महामारी का खत्म किया जा सके, इसका मुकाबला किया जा सके, लेकिन लेकिन सर सवाल इस बात को लेकर है कि जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, कागज नहीं है, उसे वैक्सीनेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, सीधा सा सवाल है, इसका जवाब चाहिए देश को। क्या पूछना चाह रहे हैं सर? सवाल यही है कि जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, प्रमाण पत्र नहीं है, क्या उसे वैक्सीनेशन नहीं मिलेगी, वैक्सीन नहीं मिलेगी क्या? आप पहले ये चीज करेक्ट कर ले, आधार कार्ड की जो जरूरत है आपको मैं बताऊं, आधार कार्ड में हमने हरेक एक हॉस्पिटल स्कीम है जिसके तहत हम उस हरेक व्यक्ति को उस उनका कोडिंग कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में हम ये चीजों को समझ सकें कि भाई किसको वैक्सीनेशन हुआ और उस वैक्सीनेशन के ऊपर वो डाटा के ऊपर स्टडी हो। सर ये तो आप तो अपनी जानकारी के लिए कर रहे हैं सर, लेकिन सवाल इस बात को लेकर, नहीं नहीं ये तो ठीक है, ये तो ठीक है सर, उसको हम डिनाई नहीं कर रहे सर, ये जिला नहीं ये जिला शासन प्रशासन और राज्य सरकार जो है, जो केजरीवाल सरकार है, वो यहाँ पे उसको मैंडेटरी बना के लोगों को तंग कर रही है कि भाई ले आइए आप आधार, हमने कहीं आप दिखा दें, कहीं हमारी एडवाइजरी हो, कहीं हमने ऐसा कहा हो, ये चीज जो है ये बेतुकी बात है। सवाल घुमा दिया, फिर ये मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं हमें डाटा चाहिए, अरे डाटा को एक तरफ रख दो यार, देश बचाना जरूरी है, लोगों की जान कीमती है, डाटा जरूरी नहीं है, अब ये डॉक्टर साहब बताएंगे। नहीं जी, संजय जी से पूछ लेते, एक सेकंड संजय जी से पूछ लेते, संजय जी आवाज मिल पा रही है आपको? संजय जी क्या जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, प्रमाण पत्र नहीं है, उसको भी ये वैक्सीन मिलनी चाहिए क्या? देखिए मैं इसमें बात कहना चाहता हूँ, हमको हमारा सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हम जनता को, जो हमारी 130 करोड़ जनता है, उसको कैसे बचाएं, बचाने के लिए वैक्सीन का उपलब्ध होना जरूरी है। आधार कार्ड नहीं है,
नहीं है, है वो तो बात की प्राथमिकता होगी ना, लेकिन पहले तो वैक्सीन उपलब्ध कराए, आप 13 करोड़ को पहली डोज लग गई है तो मैं पूछना चाहता हूँ उनको दूसरी डोज क्यों लगेगी? अभी सब दूसरी डोज 3 करोड़ लोगों को लगी है, 40 लाख लोगों को पहली डोज लग गई है जो 18 से 44 साल के बीच में है, तो मैंने प्राथमिकता ही होनी चाहिए हमारे प्रधानमंत्री, बिल्कुल देश को बचाना है और जाहिर तौर पर उसी तरफ कदम उठाने चाहिए। महेश जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कहा है, ठीक है सर, हमें दिल्ली और बम्बई और कलकत्ता और मद्रास नहीं करना चाहिए, पश्चिम बंगाल नहीं करना चाहिए, ऐसे बैठ के जो हमारे पार्टी के नेता जो दिल्ली और पंजाब और हरियाणा करते रहते हैं, ठीक है, गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ, ठीक है, नहीं आप एक नजर तक देखिए ऑक्सीजन जरूरत है अगर ठीक है। महेश जी, महेश जी से एक छोटा सा सवाल है मेरा, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कहा है कि बाहर से आ रही मदद अब केंद्र के अस्पतालों में तो मिल रही है लेकिन राज्य तक वो कैसे पहुंच पाएगी, राज्य को कैसे मिलेगी इसके, ये जो मदद सामग्री है वो राज्य तक कैसे पहुंचेगी? देखिए मैं अभी भी आपको स्पष्ट कर दूं कि केंद्र सरकार का जितना काम होता है, जितनी चीजों को करना होता है वो राज्य सरकार के माध्यम से ही करती है। हमारे जो बजट भी होते हैं, हमारे किसी तरह का सेंट्रल स्कीम है या आयुष्मान योजना हो या कोई भी चीज ऐसा हो, उस सब पे फेडरल सिस्टम में नेहा जी राज्य सरकार ही माध्यम बनती है। और रही बात की सेंट्रल अस्पताल की, फिर सेंट्रल अस्पताल में ही वो चीजें सिर्फ जा रही हैं या उनके सेंट्रल हॉस्पिटल के, सेंट्रल हॉस्पिटल में भी जा रही है तो कोई ऐसा थोड़ी है कि उसमें जनता को सुविधा नहीं मिल रही है, वहां भी तो जनता ही है, वहां भी आम जनता ही होती है, वहां जो हॉस्पिटल इलाज करता है मरीजों का वो भी जनता ही है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी चीजों को खड़ा कर देना, सुप्रीम कोर्ट ने जिस मतलब जिस कंटेस्ट में वो बात कही थी वो ये नहीं था, उनका सुप्रीम कोर्ट के कहने का जो स्पिरिट था वो ये था कि जो केंद्र सरकार को मदद मिल रही है बाहर से वो राज्य सरकार के बीच में भी जो है उसका उसी अनुपात में, जैसे जहां जरूरत हो उस अनुपात में उसी रेशियो में उनको भी कहीं उसके साथ कनेक्ट किया जाए, उनको दिया जाए। तो केंद्र सरकार की तरफ से ये स्पष्ट किया गया उस समय कि साहब हमारे पास जो भी मदद मिल रही है हम उस मदद को केंद्र राज्य सरकार के द्वारा ही हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम राज्य सरकार हमारे पास केंद्र सरकार के पास मामला जमा नहीं है। जी कुछ कहना चाहे जल्दी से अपनी बात रखिए। नेहा मैं फिर कह रहा हूँ, महेश जी ने फिर घुमा दिया आपका, मेरा सवाल देश का सवाल ये है कि आपने जो पोर्टल बनाया जहाँ रजिस्ट्रेशन हो रही है वैक्सीनेशन की, वहाँ आधार मैंडेटरी, आप उस पोर्टल को ठीक कर दीजिए, जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है वो भी रजिस्ट्रेशन करा ले, उसको भी स्लॉट मिल जाए, उसे भी वैक्सीन मिल जाए। चलिए देश की जरूरत कुल मिलाकर यही है कि देश के हर एक व्यक्ति को, देश की जनता को वैक्सीनेट किया जाना चाहिए, वैक्सीन मिलनी चाहिए और यही प्राथमिकता फिलहाल हर किसी की होनी चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।